जैसे कि आप देख पा रहे हैं आज हमारी मम्मी ने अचार भेजा है हमारे लिए। अचार, चलिए आज ढक्कन खोलते हैं। गाइस हमें भी नहीं पता है कि इस डब्बे में क्या है। गाइस गाइस मोबाइल पे अचानक आपका नेटवर्क गायब हो गया, चला गया, मूवी स्टॉप, स्टार्ट्स बफरिंग, बफर होने लगा, आपका अचानक मूड पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। यू नीड अ ग्रेट माइंडसेट, अ पॉजिटिव माइंडसेट, एन ऑप्टिमिस्ट माइंडसेट। वेलकम टू दिस ग्रेट एंड स्पेशल एंड ट्रेमेंडस क्लॉ सेंसेशन। गुड मॉर्निंग गाइज, एंड आई लाइक, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट लाइक देर आर टू टाइप्स ऑफ टॉक्स एंड कम्युनिकेशन। दो तरीके से आप बोलते हैं। इस दुनिया में 80 मिलियन लोग स्टटरिंग करते हैं, हकलाते हैं। बचपने की बात करेंगे तो 5% बच्चे हकलाते हैं इस दुनिया में, लेकिन 6 महीने और साल भर बाद वो सुधर जाते हैं। लेकिन वहीं पे अगर आप बात करेंगे इंसानों की, तो दुनिया की पॉपुलेशन में 1% लोग स्टटर करते हैं। लेकिन स्टटर तो एक प्रॉब्लम है, एक समस्या है, लेकिन बोलते हुए जो आप हे हा यू हु आ वाव हुरे जुर्रे एक्चुअली बाय द वे एनी वे लाइक फॉर एग्जाम्पल यू नो करते हैं, वो क्या है, वो आपके सामने, वो आपके साथ क्यों होता है? दैट इज द बिगेस्ट ब्लंडर यू मेक। आप बहुत बड़ी गलती करते हैं, बहुत ही बड़ी गलती करते हैं। अब मैं आपको छोटी सी चीज बताना चाहता हूं, मैं आज इंग्लिश में आपको नहीं बता रहा हूं, हिंदी में बहुत आराम से बता रहा हूं, बहुत छोटी सी चीज। फॉर एग्जाम्पल आप जो है कोई मूवी देख रहे हैं मोबाइल पे, अचानक आपका नेटवर्क गायब हो गया, चला गया, मूवी स्टॉप, स्टार्ट्स बफरिंग, बफर होने लगा, आपका अचानक मूड पूरी तरीके से स्पॉइल हो जाता है, खराब हो जाता है। तो सोचिए अगर आप पब्लिक के सामने बोल रहे हैं, इंटरव्यूअर के सामने बोल रहे हैं, और आप हा हो लाइक एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल एज यू नो एज आई नो, अगर ये सारी चीजें करते हैं और आप भी क्रचेस फिलर वर्ड्स यूज करते हैं, तो सोचिए आपके सामने बैठी ही ऑडियंस का क्या होगा। व्हाट विल हैपन, व्हाट विल दे फील, व्हाट विल दे थिंक अबाउट यू, वो आपके बारे में क्या सोचेंगे? दैट यू आर नॉट एन इफेक्टिव कम्युनिकेटर, कि आप एक अच्छे स्पीकर नहीं है। सोचिए कि जब आपका मोबाइल का नेट बंद होने से आपको इतनी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी मूवी रुकने से आपको इतनी प्रॉब्लम हो सकती है, आपकी बाइक रास्ते में खड़े होने पर अचानक आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपका अचानक कार बंद होने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, और रास्ते में आप जा रहे होते हैं, रास्ते में ट्रैफिक लगने से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सोचिए जो आप ऑडियंस की लाइफ में ट्रैफिक लगा रहे हैं, सोचिए कि उनका एक फ्लो बना हुआ है, यू आर टॉकिंग अबाउट समथिंग पर्टिकुलरली, आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, और द मोमेंट यू स्टॉप, यू गो ब्लैंक, यू स्टार्ट यूजिंग फिलर वर्ड्स, क्रचेस, व्हाट विल ऑडियंस फील, ऑडियंस क्या फील करेंगे? कुछ ऐसा ही बात करने वाले हैं हम, कुछ यही बात करने वाले हैं आज, और बहुत आराम से इस चीज को समझिएगा। सबसे पहले 3 सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, उसके बाद टिप्स और ट्रिक्स पे बात करेंगे। व्हाट इज एंड व्हाट आर फिलर्स, ये फिलर्स क्या है? एक रुकावट है। जब आपके माइंड ब्लैंक हो जाता है, आपके दिमाग में कोई दूसरी सोच नहीं आती, आप उस वक्त सोचते हैं, घबराते हैं, महसूस करते हैं कि मैं अब क्या बोलूं, उसी वक्त आप फिलर वर्ड का सहारा लेते हैं, लाइक कर देते हैं, जिससे दुनिया आपको लाइक नहीं करती एज अ पब्लिक स्पीकर। जहां पे आप फॉर एग्जाम्पल यूज कर देते हैं, एक्चुअली यूज कर देते हैं, बाई द वे यूज कर देते हैं, एनी वे यूज कर देते हैं, और जो है कि कुछ ऐसे हे हु यूं पा ची चो कुछ भी आप जो है कि अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग लैंग्वेजेस में यूज कर देते हैं इस तरह का म्यूजिक साउंड्स, दैट्स रियली वेरी बैड, बड़ी खराब बात है। ची पा सुनने कोई आपका नहीं आया है, लोग सुनने आए हैं आपकी बड़ी प्यारी सी बातें, इंफॉर्मेटिव बातें। तो सबसे पहले ये आपके फिलर वर्ड्स हो गए। नाउ व्हाई वी यूज फिलर वर्ड्स, हम फिलर वर्ड्स यूज क्यों करते हैं, व्हाई एक्चुअली इट हैपेंस विद अस, हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, लैक ऑफ प्रिपरेशन। जब आपकी लैक ऑफ प्रिपरेशन होगी ना,
लैक ऑफ प्रिपरेशन, सही से आप तैयारी नहीं करेंगे, सही से आपको चीजों की जानकारी नहीं रहेगी, तो यू विल स्टार्ट फाइंडिंग आउट की वर्ड टू स्पीक नाउ, वर्ड टू स्पीक नाउ, अब मैं क्या बोलूं, अब क्या बोलूं, और आपको उस वक्त क्या यूज करना पड़ेगा, फिलर वर्ड्स। तो प्रिपरेशन हमेशा हार्ड होनी चाहिए। एग्जाम्पल आप लीजिए, आप एक बार छलांग लगाते हैं पानी में, तालाब में, जो है कि नदी में, क्या आप तैरना सीख लेते हैं? यू कैन लर्न हाउ टू स्विम, आप तैरना नहीं सीखते, बार बार आपको कोशिश करनी पड़ती है, तब जाके जो है कि आप सीखना तैरना सीखते हैं। आप बैट बॉल बैट पकड़ के जो है कि स्ट्राइक पे जाते हैं, पहले बॉल आती है आपकी नाक टूटती है, नाक टूटने के बाद फिर बल्ला जो है कि चलता है और दीवार पे जो है कि गेंद फूटती है, मतलब आपको बार बार प्रिपरेशन करना पड़ता है। आप जिस वक्त घोड़े पर चढ़ते हैं, घोड़े पर चढ़ने के बाद आपको घोड़ा कई बार पटकता है, उसके बाद घोड़ा पटकता है तो उस वक्त आप ऐसे हालात में आ जाते हैं कि फिर जब आप मास्टर बनते हैं घोड़े के, तो आप घोड़े को पटकना चालू कर देते हैं। ये होता है प्रैक्टिस और ये होती है प्रिपरेशन, ये होती है प्रिपरेशन। कि सोचिए सोचिए, जब मैंने हो सकता है बोलना चालू किया हो तो मैं लड़खड़ाता रहूंगा, मैं हकलाता रहूंगा, मैं तुतलाता रहूंगा, मैं फिलर वर्ड्स यूज करता था, मैं बहुत पॉज लेता था, मैं अच्छे से बोल नहीं पाता था, मैं लड़खड़ा जाता था, मैं एकदम से पूरी तरीके से ब्लैंक हो जाता था, बट नाउ आई कैन स्पीक क्योंकि मेरी राइट प्रिपरेशन है। तो सबसे पहले राइट प्रिपरेशन होना बहुत जरूरी है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं, आप हमेशा राइट प्रिपरेशन विद कंटेंटफुल रहिए, विद कंटेंट रहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल लीजिए, आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, महबूबा के साथ होटल में गए हैं खाना खाने। अब भाई आप होटल में देखिए खाना खाने गए हैं तो अब क्या होगा, आपके जेब में 400 रुपया सिर्फ है, 400 रुपया रखा, निकल गए 5-स्टार होटल में, आज महबूब को खाना खिलाएंगे। भाई महबूब खाना तब खाएगी जब जेब में कड़क कड़क नोट होगी, और आप 400 रुपये में उसे 5-स्टार का टेस्ट दिलाने गए, आपका मन जब तक आप होटल में जाते रहेंगे, होटल में बैठे रहेंगे, बिल जब तक नहीं दे लेंगे, तब तक आपका दिल लेफ्ट से राइट और राइट से पेट में, पेट से घुटने में दिल जाके जो है कि चिपक जाएगा। वाई? क्योंकि आपके पास उस वक्त पैसा नहीं है, यू डोंट हैव दैट मच मनी, इतना आपके पास पैसा नहीं है कि अपनी गर्लफ्रेंड को आप होटल में अच्छे से आराम से अच्छे बिल के साथ खाना खिला पाएं। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको समझने की यहां पे क्या जरूरत है, यहां पे आपको पैसे की कमी है और उस कमी की वजह से आपको हेजिटेशन हो रहा है, आप पॉज लेंगे, आप फिलर वर्ड्स यूज करेंगे, आप हाँ हो अपनी गर्लफ्रेंड से कहेंगे, वो कहेगी इस कैपोचिनो, तो आप कहेंगे नॉर्मल कॉफी ले ले भैया, वो कहेगी थोड़ा अच्छा सा डिनर, तो आप कहेंगे बस 2 रोटी खा ले भैया, क्योंकि जेब में नोट नहीं है, there are no money in the gym, in the pocket, that's why you need to understand। अब suppose करिए कि आप अचानक आपकी बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है, आप मंजिल पे पहुंचने से पहले रास्ते में रुक जाएंगे, आपके मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो जाता है, सोना को कॉल कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो एक्चुअली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपको समझने की क्या जरूरत है, कि जब भी किसी चीज की होगी कमी, आंखों में आ जाएगी नमी और उस तरीके का माहौल जो हो जाएगा गमी गमी। तो व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू बी वेल कंटेंटफुल एंड बी प्रिपेयर्ड, आपको बहुत ही ज्यादा तैयार होना पड़ेगा, कंटेंटफुल होना पड़ेगा, इंफॉर्मेशनल होना पड़ेगा, इंफॉर्मेटिव होना पड़ेगा और ज्ञान लेके जाना होगा। इफ यू गो विदाउट इंफॉर्मेशन देयर इज नो डेस्टिनेशन, अगर आप बिना सूचना के जाएंगे कोई भी मंजिल नहीं है। दैट्स व्हाई, इसलिए हमेशा सूचना पे फोकस करिए, ऑलवेज हैव कंप्लीट नॉलेज, मोर देन 100% 100% ज्यादा नॉलेज लेके जाइए। आफ्टर दैट, उसके बाद आपके पास यू मस्ट हैव ऑलवेज एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक्स्ट्रा सेंटेंसेस, आपके पास एक्स्ट्रा वर्ड्स एक्स्ट्रा सेंटेंसेस होने चाहिए। आपके पास सबसे पहला आपका माइंड पूरी तरीके से जो है कि फोकस्ड होना चाहिए, इसमें कोई स्ट्रेस, कोई टेंशन, कोई एंजाइटी, कोई फ्रस्ट्रेशन, कोई डिप्रेशन, कोई तनाव, कोई दबाव, कोई जो है किस तरीके का मामला नहीं होना चाहिए। यू मस्ट बी वेल डिसिप्लिन्ड, पंक्चुअल, फोकस्ड एंड कॉन्सेंट्रेटेड, देन यू कैन डिफीट ऑल द ऑब्स्टेकल्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन एंड इंटरव्यू। बट अगर आप माइंड में कुछ और लेके गए, अचानक आपके साथ ऐसा होता है ना, मान लीजिए आपके साथ ऐसा भी होता है कि अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से आप बात कर रहे हैं, किसी से आप कुछ बता रहे हैं, देन व्हाट हैपेंस, क्या होता है अचानक आपके साथ, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट पर्सन, अगर आप उसमें आप कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, तो आपका माइंड कहीं और फ्लाई कर जाएगा, उड़ जाएगा, और उस वक्त वो पूछेगा कुछ और, आप बोलेंगे कुछ और, लाइक हैजा अच्छा हाँ की राकी माकी साकी आप जो है कि करेंगे। क्यों? वाई? बिकॉज आपका वहां पर इंटरेस्ट नहीं है।
That's why you have to generate a great and deep interest to speak, to communicate. आपको एक जबरदस्त इंटरेस्ट जनरेट करना है, माइंड को फोकस रखना है, टोटल प्रॉब्लम से ब्लैंक, और उसके बाद एकदम अपने कॉन्सेप्ट, अपने जो है कि कंटेंट पे फोकस. नाउ व्हाट नेक्स्ट एग्जैक्टली, व्हाट इज नेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड स्किल. उसको बोलते हैं स्किल. देखिए, सबसे पहले मान लीजिए बहुत से लोगों के पास नॉलेज है, ज्ञान है, अर्थात ज्ञान है, ज्ञान का महासागर है, जिनके पास बहुत सारे शब्द हैं, जो कई किताबों को जो है कि चाट गए हैं, मतलब बोले तो पढ़ पढ़ के, मतलब कई किताबों का उन्होंने अध्ययन कर लिया है, बहुत उनके पास क्वालिफिकेशंस और डिग्रीज हैं, बट द मोमेंट दे कम अपॉन द स्टेज, जैसे ही वो मंच पर आते हैं, किसी के सामने आते हैं, दे गो ब्लैंक, वो ब्लैंक हो जाते हैं. जब ब्लैंक नहीं होते तो अपनी गर्दन को झुकाते हैं, ऐसा कि गाइज, जैसा कि आप जानते, हे गाइज, तो ये समझ रहे हैं आप, यू अंडरस्टैंड दैट. जैसे वो, आप ये व्लॉगर का एग्जांपल लीजिए, उनके पास कुछ कंटेंट नहीं है, उनके पास कुछ कंटेंट नहीं, दे डोंट हैव एनी कंटेंट, नो इन्फॉर्मेशन, नो मोटिवेशन, नो काइंड ऑफ मैच्योरिटी. मोबाइल चालू किया, हेलो गाइज, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारी मम्मी ने अचार भेजा है हमारे लिए, अचार, चलिए आज ढक्कन खोलते. गाइज, हमें भी नहीं पता है कि इस डब्बे में क्या है. गाइज, अरे यार, और क्या है आपके पास, गाइज ही है सिर्फ. ढक्कन जब तक खोल रहे हो तब तक गाइज बोल रहे हो, इट मीन्स यू डोंट हैव एनी इंफॉर्मेशन, यू डोंट हैव एनी कंटेंट. आपके पास ना कोई सूचना है, ना कोई कंटेंट है, ना कोई कुछ है. गाइज, अच्छे ढक्कन को, अरे गाइज, आम का अचार, गाइज, ओ माय गॉड, भाई आम का अचार सब ने खाया हुआ है, आम का अचार सब ने देखा हुआ है, आम के अचार पे ऐसा बंदर की तरह उछल रहे हो, जैसे लग रहा है कि तुम जो है कि कॉस्मोलॉजी पढ़ के जो है कि कहीं नासा और सार्क में कहीं बहुत बड़ा रिसर्च और सर्वे कर लियो. तो What you actually need to understand, you need to understand about it that you must be well informed, well punctual, well knowledgeable. So what you need, आपको skill होने की ज़रूरत है. And to gain that skill, उस skill को पाने के लिए, you have to train yourself, आपको अपने आप को train करना होगा. This training is really very important. If you can't speak, if you don't know how to speak, how will you speak having so much contents? आपके पास बहुत सारे contents हैं, फिर भी आप कैसे बोल पाएंगे? तो आइए कुछ tips और tricks पे बात करते हैं. Tip number one, जब भी आप किसी चीज़ की तैयारी करें, whenever you prepare something, उसको आप अपने पेज पर लिखें, बार बार लिखें, हजार बार लिखें, समझ कर लिखें, बार बार अपने दिमाग से लिखें. लिखना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और वो राइटिंग, वो टिंडले पिंडले वाला नहीं, मोबाइल वाला, स्क्रीन वाला, लैपटॉप वाला नहीं, जहाँ पे आपको स्क्रीन दिखाई दे, आपके हाथ में कलम हो और आपके सामने एक पेज हो, उस पर आप लिखेंगे, योर माइंड कंप्लीटली यू नो गोज हाई स्पिरिट में चला जाता है मेरे दोस्त. ये चीज आपको एकदम मायने रखनी पड़ेगी, अपने माइंड में रखनी पड़ेगी. आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट, एक्चुअली यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट आफ्टर राइटिंग, लिखने के बाद यू हैव टू प्रैक्टिस. आप अपनी आवाज रिकॉर्ड करें, आप अपनी वीडियो रिकॉर्ड करें, आप अपने फ्रेंड्स के सामने बोले, आप जो है कि अपने आप से बोले, आईने में बोले, कैमरे में बोले, स्पीक, प्रैक्टिस इट, राइट. और प्रैक्टिस के साथ साथ एक शब्द का 10 शब्द ढूंढें, एक बात की 10 बात ढूंढें, उसके फैक्ट्स में जाएं, उसका मल्टीपल थेरीज को देखें, मल्टीपल उसके फैक्ट्स को देखें, मल्टीपल इंफॉर्मेशन को देखें, अलग अलग आर्टिकल्स पढ़ें, न्यूज़पेपर पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें, बुक्स पढ़ें, विकिपीडिया पढ़ें, लोगों से पूछें. यू मस्ट हैव एक्स्ट्रा एंड एडवांस नॉलेज ऑफ दैट, उसका एक एडवांस नॉलेज लें. After that, what you can do exactly, I am going to explain you that. When you perform, when you go to perform, give an interview, go for communication, conversation, debate, group discussion, public speaking, speeches, presentation, what do you need? You need a great mindset, a positive mindset, an optimist mindset. Go, break a leg, go, give a great performance, go and just charm yourself, go and do it with a complete mindset that yes, I'm going to actually defeat all the obstacles and I'm going to prove yes, I'm an effective public speaker. Understand this concept.
You have to keep it in your mind, ladies and gentlemen. It's really very important. मैं उम्मीद करता हूँ, I expect and I hope that कि आज का सेशन काफी काबिले तारीफ रहा है और आज आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा. तो जो सीखने को मिला है उसे implement करें and change yourself, अपने आप को बदलें and do something special in your life. Thank you.